धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में जोर शोर से चुनावी सभा की जा रही है। इसी कड़ी में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील की, साथ ही उन्होंने कल्पना सोरेन को मजबूती से सपोर्ट करने की बात भी कही है। उनकी पत्नी अपने पति के जेल में रहने के बावजूद आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने का काम कर रही है। आज अगर हम एक नहीं होंगे, आज अगर एक साथ काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बोल सकता हूं, ये हिंदुस्तान बहुत पीछे चले जाएगा। आने वाले समय में आप अपना मतदान देने के भी लायक में नहीं रहिए। हिंदुस्तान वन लीडर वन नेशन, एक राष्ट्र एक नेता की ओर बढ़ रहा है, जहां पे संविधान का आह्वान होगा। बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब की बात जरूर करेंगे, लेकिन बाबा साहब को संविधान लिखने की ताकत कहाँ से आई, ये कोई बात नहीं करेगा। बाबा साहब ने संविधान इसलिए लिखा कि जो उनके बचपन राजस्थान चुनाव होता है, मंच पर जाते हैं, बोलते हैं कि हम सनातियों का सम्मान लौटाएं। अरे भैया, मुगल राज में भी हिंदुस्तान का मुसलमान मुगलों का नहीं हुआ, वो हिंदुस्तानी रहा, तो आज कौन सा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को अलग कर रहा। और उसी राजस्थान के मंच से जब वो उतरते हैं और वर्ल्ड कप देखने जाते हैं, और वहां पे कोई हिंदू नहीं खेल रहा था, कोई मुसलमान नहीं खेल रहा था, कोई जाति और धर्म के खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, वहां पे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही थी। और जब सब गेंदबाज चित हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान के लिए मोहम्मद शमी भी ऐसा खिलाड़ी था जो खड़े होकर हिंदुस्तान का काम कर रहा था। और नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वहां पे भी उनको फोटो खिंचवाना था तो मोहम्मद शमी को गले लगा रहे थे। उस समय मुसलमान नहीं याद आया।